नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान चौक और मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक डायरी की चर्चा है जिसका रंग लाल है। लाल डायरी को लेकर आज राजस्थान विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी लेकर पहुंचे, जब सदन में पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के सामने उन्होंने इस लाल डायरी को लेकर प्रदर्शन किया, तभी सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई। राजेंद्र गुढ़ा का आरोप है कि करीब 50 विधायक और मंत्रियों ने उनके साथ मारपीट की, लात घूंसे चलाए। आरोप लगाया कि राजेंद्र गुढ़ा बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा सत्र कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया। इस पूरे मसले पर राजस्थान की राजनीति पर एक काला धब्बा भी लगा। विधानसभा में ऐसी स्थिति नहीं आई कि किसी सदस्य के साथ मारपीट जबरदस्त तरीके से हो। जिस तरीके के आरोप राजेंद्र गुढ़ा कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और विधायकों पर लगा रहे हैं, यह दर्शाता है कि लाल डायरी के राज कहीं गहरे हैं। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त उस लाल डायरी के भीतर क्या क्या है, उसको लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है, रोचकता बनी हुई है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस लाल डायरी के बूते बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा निशाने पर लेकर क्या खुलासे करने वाले हैं। अभी भी मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कई अहम खुलासे हैं जो होने बाकी हैं। क्या वो सत्ता पक्ष को डरा रहे हैं या बर्खास्तगी के बाद वो जनता के बीच में जाने से पहले एक सहानुभूति की लहर जगाना चाह रहे हैं। यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस को घेरने के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा तेजी से उठा रही है। इस बीच में सरकार के ही पार्ट रहे और लगातार राजनीतिक सुर्खियों में बने रहे राजेंद्र गुढ़ा अब नए कलेवर में सामने है। वो फ्रंट फुट पर होकर अपने आप को लगातार सत्ता पक्ष के विरोध में दर्शा रहे हैं और लाल डायरी के बहाने कई ऐसी सुर्खियों में बने रहने की कोशिश की जा रही है जिससे न केवल मीडिया हाइप मिले, साथ ही उन्हें जनता का साथ भी मिले। लेकिन चुनाव में अभी वक्त बाकी है, चुनाव की गणित अभी कई समीकरणों के साथ बैठनी शेष है। ऐसे में आज विधानसभा में जो हुआ वो क्या रंग दिखाएगा, जनता के बीच क्या मैसेज प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत से जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान की राजनीति की से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप राजस्थान चौक पर बने रहिए। आइए आपको दिखाते हैं राजस्थान विधानसभा के बाहर किस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा ने यह बात कही कि उनके साथ सदन के भीतर अन्याय हुआ है। मैंने तो शुक्रवार को मात्र 15 सेकंड में ये कहा था कि हमारे राजस्थान के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं और हमारे प्रदेश का हमारी सरकार के टाइम में हमें अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। उसके बाद में मुझे नोटिस नहीं दिया, मेरे से किसी ने बात नहीं की और मुझे सीधा बर्खास्त कर दिया गया। सत्र चल रहा था, मैं हमारे अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष जी के पास गया और मैं मेरी विधायक के रूप में मैं पूछना चाह रहा था कि अब मैं मंत्री नहीं हूं, मैं बैठूं गांव, मेरे बैठने की व्यवस्था नहीं है, मुझे विधायक के रूप में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी, मुझे किस चेयर पर बैठना, मैं ये पूछना चाह रहा था और मुझे क्यों निकाल, मुझे बर्खास्त किया गया, उस बारे में मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था और उसके अंदर मैं कहना चाह रहा था, मेरी बात मैं 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म करना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। इसके बीच में धारीवाल जी ने बोलना शुरू किया, मैं धारीवाल जी का साहब मैं बोलना चाह रहा हूँ, मुझे सदन से बर्खास्त किया गया है और महिलाओं के इशू पर बर्खास्त किया गया है। मेरे क्षेत्र की एक लड़की बच्ची 20 साल की प्रियंका का 2 दिन पहले गला रेत कर हत्या कर दी गई, दूल्हे और दुल्हन को गोली मार दी गई मेरे क्षेत्र में, हमारे रोज दुष्कर्म के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं इस घटना से आहत था, मैं इस घटना से आहत था, मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा था। मेरे ऊपर चार्ज लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ, मेरे ऊपर चार्ज मुझे कहा गया कि मैं माफी मांगू। मैं पूछना चाह रहा था मैं किस सब्जेक्ट की माफी मांगू, मैंने कौन सी गलती की है, मेरी गलती क्या है, मैं किस चीज की माफी मांगू। मैंने 2008 में आपको 6 MLA लाके दिए,
2018 में मैंने आपको फिर आपकी लंगड़ी सरकार को मैंने मजबूती दी, आपके आपकी सरकार के संकट में मैंने आपका साथ दिया, राज्यसभा के मेंबरों में मैंने आपके हर बार आपके हम आपके पैनल से जीत के नहीं आए थे, हमने आपको राज्यसभा में एक नहीं दो बार नहीं छह छह बार वोट दिया है, हमने पिछले कार्यकाल में इनको वोट दिया, इस कार्यकाल में वोट दिया, और उसके बाद आज वो मेरे पर चार लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई, मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरे मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया, और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घेंस के बाहर निकाला, मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था, हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे, गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्जी करके मेरे से छीन लिया, और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है, इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलियों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा, मेरी डायरी इनसे मेरे से अमीन खान ने, रफीक ने, कितने दिन के लिए निकाला आपको? अब मुझे तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो मार्शल ने नहीं निकाला, इन सारे लोगों ने मुझे, अब कौन से मंत्री शामिल थे निकालने, मुझे देखिए जेल जाने के लिए मेरे झूठे मुकदमे लगाए गए, मैंने तो एक महिला की सब महिला की दो बेटियों की शादी थी, मेरी जेब से 3,84,000 रुपए मैंने देके उस बच्चे की शादी कराई, और ये मुझे मेरे मुकदमे लगाया मेरे अपहरण का, मैं इनका मंत्री था तो मुझे गिरफ्तार कर लेते, अभी भी मेरे मुझे गिरफ्तार करते हैं, तो मैं इनका वेलकम करता हूँ, इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो ये मुझे गिरफ्तार करे, राजस्थान की जनता, राजस्थान की सड़कों पर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा 2023 के दिसंबर में। गुड़ा जी, इतना सब कुछ आपके साथ हुआ तो आप लाल डायरी के जो तथ्य हैं वो आप छुपा क्यों रहे हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं किस मैं मेरी डायरी में टेबल करना चाह रहा था, मैं टेबल करना चाह रहा था अध्यक्ष के सामने, मुझे टेबल नहीं करने दी गई डायरी, तो आप आज मीडिया के सामने टेबल कर सकते हैं उसको। देखिए मैं मीडिया के सामने क्या टेबल करूंगा, मैं पूछना चाहता था इस डायरी पर यदि जांच करवा दे तो मैं डायरी उनको दे के और टेबल कर रहा था, मैं तो डायरी को मेरे से छीनी क्यों गई वो डायरी, मैं तो अध्यक्ष जी को टेबल करना चाह रहा था, जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ लात घुसे मारे, मुझे जमीन पर गिरा दिया गया, कम से कम 25 से 30 लोग मेरे ऊपर पड़ गए एक साथ, मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, मेरा दम घुट गया था, इन लोगों ने ये भी छीन लेंगे आपसे, फिर मेरे छीन लेंगे तो मैं लड़ूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, आप मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, कंधा तो मीडिया को दिखाइए ना, आप क्या है इसमें, बताइए, देखिए वो उनसे पूछो, वो डायरी उन्होंने मेरे से क्यों छीन ली, वो डायरी छीनना नैतिक था क्या, इसमें क्या है वो बता दीजिए, वो मैं बता दूंगा, अभी टाइम बहुत बड़ा है, जनता में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा, कोई एक मुद्दा ऐसा बताइए जो नाम है आप बताना चाहेंगे, तो नाम बताना, अरे अशोक जी गहलोत के थ्रू है, अशोक जी गहलोत है, और कौन है, फाइनेंस वो है, होम वो है, सीएम वो है, सारा सिस्टम उनके पास है, बाकी क्या है, बाकी तो लिखी किसने थी धर्मेंद्र जी राठौर ने लिखी है, पता है सबको, 9वीं मंजिल पे मुझे बलि का बकरा जाके बोले गुड्डा तू ये डायरी नहीं लाएगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे ये हो जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ मैं राजस्थान की मराल सेखा का वंशज हूँ, हमारी तीन पीढ़ियां एक साथ कट गई थी रणावता में महिला के सम्मान के लिए, मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, कोई भी, हमारी माता बहनों ने मुझे यहाँ चुन कर भेजा है, या भड़वागिरी करने के लिए नहीं भेजा, मुझे भेजा तो यहाँ महिलाओं के साथ उसकी असमत के साथ सौदा करने के लिए नहीं भेजा, मैं मीडिया के द्वारा मांग करता हूं कि कांग्रेस के मंत्रियों का डीएनए कराओ, राजेंद्र गुड्डा का डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो,
नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है, इनके पास सत्ता है इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। राजेंद्र जी, अब हमने देखा आपको अंदर जो सुरक्षा कर्मी है वो जाने नहीं दे रहे विधानसभा के भीतर, तो अब आप जा नहीं पाएंगे, अब आपका क्या अगला कदम है? देखिए, इसमें मैं लड़ाई लड़ूंगा, पब्लिक में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा, तो हो सके जहां जा इस ये लड़ाई मेरे, मुझे कहा गया कि तू माफी मांग ले, मैंने कहा क्या कहा आपको माफी मांगने को? मुझे रंधावा जी तो आपके चैनल के थ्रू कह रहे माफी मांग ले, बाकी ओंदारी कोर्ट ओबदारी कोर्ट सारे लोग कह रहे माफी मांग ले, क्या गलती की है मैंने? एक मेरा सवाल है गुड़ा जी, आपने इतना कुछ बोला, आपसे ज्यादा तो सरकार के खिलाफ सचिन पायलट आ गए थे, लेकिन वो अभी अंदर है, आप बाहर हो। देखिए, मैं उसे कुछ नहीं बोलना चाहता। राजेंद्र गुड्डा अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, और इस लड़ाई के अंदर मैं आपको मीडिया को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत में बैक नहीं होऊंगा, चाहे जेल में डाल दे, चाहे गोली मरवा दे, चाहे हत्या करवा दे, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक इस बदन में सांस रहेगा, तब तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उनके लिए बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। राजेंद्र जी, दो बात है, एक तो जो 5 विधायक है, जोगेंद्र रवाना, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लाखन मीणा, ये आपके साथ के थे? मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो 20-30-40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था, मुझे तो नजर ही नहीं आया, मेरे तो ऊपर बैठ गए, कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था, मुझे दबा लिया था, और विधानसभा का मोबाइल है वो यूट्यूब वो भी बंद कर दिया गया था जिस टाइम वो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। मंत्रियों ने आपके लात घूंसे मारे, कौन से मंत्री थे जिन्होंने लात मारी? धारीवाल ने लात मारा मुझे। अच्छा, अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता क्या? लात नहीं, नीचे पटक लिया था क्या आपको? नीचे जमीन पर पटक लिया था। अच्छा, ये भगवान सिंह बाबा कह रहे हैं अब आपको बीएसपी से टिकट नहीं देंगे। मुझे यार, मुझे मेरे पास बीएसपी को 2013 में 11 से वोट आए थे मेरे भाई। राजेंद्र गुड्डा किस फेस पर वोट पड़ते हैं? कहाँ है बीएसपी? राजेंद्र गुड्डा मेरे पास दूसरी भी है, और वो पार्ट तो टेलर था, अंदर जो है वो जो मेरे से छीना गया वो तो फिल्म का टेलर है, फिल्म तो बाकी है अभी। लाल डायरी सामने आती है तो क्या होगा? लाल डायरी से क्यों डर रहे थे? उन्होंने मेरे से क्यों छुना, क्यों मुझे नीचे पटका, क्यों मेरे से छीन के ले गए हो? ये सामने आती है तो क्या होगा, अब आगे क्या होगा? लिया होगा डायरी के अंदर की दो बात बता दीजिए। दो बात तो बता दो। मैं तो पूरी डायरी टेबल कर रहा था, पूरी डायरी टेबल कर रहा था। मीडिया के सामने बता दीजिए, दो बात बता दीजिए। किस चीज का लेन देन, कितने किसको पैसा दिया? सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ, 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं उसके अंदर, वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं, और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दिए पैसे, आया कहां पैसा, गया कहां, सब कुछ था उसमें। सामने आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? डायरी में एक तो दो नाम बता दीजिए। मेरे पास पार्ट है, बता रहा हूँ ना। नाम नहीं, जिनको पैसे मिले उनके नाम, क्या निर्दलीय जो विधायक थे उनको कितने कितने मिले, किस किस? मैं टेबल करना चाह रहा था उसको, टेबल लेन देन कितने का होगा, डायरी में कितने का लेन देन होगा आपको एक अंदाजन? कोई 1-2 लाख, 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200-500 करोड़ का लेन देन दूसरा मेरे पास हो रहा है। बुढ़ा जी बताइए, लाल डायरी आपको मिली किसने, किसने कहा था आपको लाल डायरी लानी, किस वजह से, कहां से? वो हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा गुड़ा मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कोस्ट पर निकाल ला, और मैं गया, मेरे साथ 2 लोग और भी थे, वो मना कर देंगे अभी, आप सबको पता है, रामलाल जी भी थे वहाँ, लाठी चार्ज भी हुआ वहाँ, वो धीरज गुजर भी था लाठी में, धीरज धर्मेंद्र राठौड़ के सिविल लाइन्स में, उसका जो सोमदत्त अपार्टमेंट के अंदर 9वीं मंजिल और 8वीं मंजिल पर हमने गेट तोड़े थे, हमने जालियां काटी थी, उसके बाद डायरी को निकाला, उनकी आवाज पर, उनकी आवाज पर था, लॉकर में थी, अलमारी में थी। अरे इनकम टैक्स वालों ने, ईडी वालों ने सीज कर लिया था, उसके बीच में से निकाले थे। सीजर तोड़ा आपने? सीजर तोड़ा, जब तोड़ के सरकार को बचाने के लिए छापेमारी हुई थी उनके धर्मेंद्र राठौड़ के घर, उस टाइम आप लेकर आए थे? उस टाइम में लेके डायरी लेके विजुअल करा दीजिए, आप डायरी लेके, ये डायरी देखिए, आप हाथ में पकड़ के डायरी लेके खोल के भी दिखा दीजिए, खोल के दिखा दीजिए थोड़ी सी, वो अंदर उनको पूछो आई गई तो खोल दो, वो जो ला रहे हैं ये दूसरा पार्ट है,
खोलूंगा टाइम पहले आ जाता है सामान्य राजेंद्र गुड्डा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। राजस्थान की जनता जो आदमी जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, जिंदगी तक जब तक आखिरी दम तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, बोलता रहूंगा। इसीलिए छीन लिया, इसीलिए पटका, इसीलिए मारा। तो क्या आपको लगता है कि इसीलिए आपकी जान को खतरा है या सरकार उठा सकती है? जेल पहुंचा देगी तो जेल में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ूंगा, और जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। अजमेर ब्लैकमेल कांड का जिक्र कर रहे थे, उसमें क्या भूमिका है, किसकी भूमिका? उसमें कांग्रेस के पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गहलोत जी प्रोटोकॉल तोड़ के वहां के एसपी से मिलने के लिए गए थे। कपड़ा मंत्री एक एसपी से मिल रहा था, फिर वो उस एसपी को बार बार सम्मानित करने पर 7 बार लगातार फील्ड की पोस्टिंग दी गई थी। किस किस को बचाया, ये सारा इनका नार को टेस्ट कराया जाए, मेरा मीडिया के थ्रू मांग है। और ये जेल में जो लोग बलात्कार दुष्कर्म के अंदर बंद है, उससे बड़े इस विधानसभा के अंदर बैठे हैं, ये सबसे बड़ा अपराधी और गड्ढा। लेकिन इनके सामने, इनके चारों तरफ सरकार सत्ता का और फोर्स का और ताकत का इनके चारों तरफ घेरा, उसमें सारे पाप बाहर वालों के द्वारा ये करते हैं। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई केंद्र की जेल में से काम कर रहा है, उस तरीके से बाहर काम करते हैं लोग, ये सारे के सारे लोग। मैं बताना चाह रहा हूँ इनका राजेंद्र गुड्डा का भी नार को टेस्ट कराओ, और यदि एक भी राजेंद्र गुड्डा राजस्थान की 36 कौम की बहन बेटी को अपनी सगी बहन से 21 मानता है, और ये इनका नार को टेस्ट कराओ, मेरा कराओ, ये इनको यदि दुष्कर्मों में कोई डिग्री मिले तो अंदर बैठे इनको, इनके पास पीएचडी की डिग्री होगी जिनके अंदर नाम आ जाएंगे अपने आप। मेरे से क्या पूछ रहे हो, करा दो इनका, मेरा भी करा दो, ये सारे के सारे मुझे किस तरीके से नाम बता देते आ जाएगा।